तुम तो काफी अच्छा मसाज कर लेते हो। मैंने ये ऑनलाइन सीखा था और अपने पेरेंट्स को मसाज देता था। दरअसल तुम्हारे कंधे अकड़ गए हैं तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। ये काम के साइड इफेक्ट्स हैं। तुम अब 11th फ्लोर पर आ गई हो तो तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ गया होगा, है ना? मैं संभाल लूंगी, कुछ ही दिनों में आदत हो जाएगी। क्या तुम्हारे कलीग्स के साथ तुम्हारी अच्छी बन रही है? हाँ, बस वो लोग थोड़े एरोगेंट हैं और इंडिफरेंट लगते हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। तुम्हारे पास लीदा जैसी कोई अपोनेंट है? लीदा ने रिजाइन कर दिया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मैं क्या कहूँ, उसने बिना किसी हेजिटेशन के नोटिस दे दिया, वो भी बहुत जल्दबाजी में। मैं काफी इम्प्रेस हो गई। और तुम बताओ, तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं? कुछ नहीं, क्या प्लान करना चाहिए? तुम 11th फ्लोर पे खुद को साबित करने के लिए आई हो? ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। मैं ऐसी लड़की हूँ जो सिचुएशन के हिसाब से चलती है। मैं पहले से चीजों को प्लान नहीं करती, तुम्हें तो पता ही है। अब तक तो समझ गया होगे। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। क्या होगा अगर तुम फेल हो गई तो? तुम्हारे पास एक ऐसा बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए ना, जिससे तुम अपने आप को बचा सको, है ना? किंशी, देखा, मैंने कहा था ना कि शादी के ड्रेस में तुम बहुत ही सुंदर लगोगी। हनी देखो, ये तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है। किंशी, तुम्हारा वेडिंग गाउन बहुत ही ब्यूटीफुल है। कहता है ना, कपड़े बदलने से इंसान अलग ही दिखने लगते हैं। बकवास बंद करो। अरे उसमें क्या है, सच तो कॉमन है। मैं तो तुम्हें सच में पहचान ही नहीं पाया। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम वही छोटी सी नटखट सी लड़की हो जो मेरे पीछे घुमा करती थी और बहन के बजाय बेटी बनना चाहती थी? और आज देखो, तुम्हारी शादी हो रही है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, उस छोटी सी लड़की को। यांग हुआ, शादी के वक्त मैं इसका हाथ पकड़ के चर्च में नहीं आने वाला, तो मैं आज ही तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये लड़की जो तुम्हारे साथ खड़ी है, ये मेरी बहन है, हमारे परिवार की सबसे लाडली। मैंने इसे पैदा होते और बड़ा होते देखा है। मैंने इसकी जिंदगी में हर एक मोड़ पर इसका साथ निभाया है, और आज जब तुम दोनों की शादी हो रही है तो तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहेगा? तो उम्मीद करता हूं कि आगे जीवन में तुम इसे रिस्पेक्ट दोगे, प्यार करोगे, इसकी रक्षा करोगे और इसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। किसी चीज की कमी ना होने देना, टीचर और दोस्त की तरह ख्याल रखना। मुझसे ये वादा करो। बनबिन, मुझे नहीं लगता मैं इस काबिल हूं। हाँ, अभी तुमने क्या कहा यंग हुआ? हम तुम्हारे साथ इतना अच्छे से बात कर रहे हैं और तुम बदतमीजी कर रहे हो। शादी हो रही है तो तुम कुछ भी बोलोगे? बोलो, भैया इतने अच्छे इंसान है और तुम्हारे मन में आएगा वो बोलोगे? चुप करो। मेरा मतलब ये है कि मैं किंशी को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा काबिल है, क्योंकि ये कहीं ज्यादा स्मार्ट है और ये आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इसका दोस्त बन सकता हूं और मैं इससे काफी कुछ सीख सकता हूं।
और ये मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात होगी कि मैं इसका साथी बनूंगा। तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम श्योर हो कि तुम पूरे होशो हवास में हो और शराब के नशे में नहीं बोल रहे हो? मैं श्योर हूं। क्या तुम सच में श्योर हो? क्या अब तुम्हें महसूस हुआ? मुझे फिर से कंफर्मेशन चाहिए। हमारी शादी तो झूठी है, भूल गए क्या? सही कहा। I'm sorry, क्योंकि मैंने उस दिन तुम पर गुस्सा किया था और तुमने मेरा ख्याल रखा, इसलिए थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं पहुंच नहीं पा रही हूं। थैंक्स। जाओ जाओ। अब तक मर जाना चाहिए था। अभी नहीं मरा, बस ड्रैगन को मारने ही वाला हूं। अरे